आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। बाबूलाल मरांडी ने महागठबंधन छोड़ नापी अलग राह। झारखंड की 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, दूसरे दलों के नेताओं की होने लगी एंट्री। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज की खबर विशेष में हम बात कर रहे हैं झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के बदलते तेवर की। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर पकड़ रही है। सत्ताधारी दल भाजपा रेस हो चुकी है। इन सब के बीच विपक्षी खेमे में गुटबाजी और आपसी खींचतान का दौर जारी है। विपक्षी दल झारखंड विकास मोर्चा में भी भगदड़ मची हुई है। दल में दो नंबर की हैसियत के नेता प्रदीप यादव यौन शोषण का आरोप झेल रहे हैं। इसके बावजूद पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पार्टी में जान फूंकने की भरसक कोशिश में जुटे हुए हैं। राज्य की सियासत में बेदाग और बेबाक नेता की छवि वाले बाबूलाल मरांडी आज अपना ही वजूद बचाने के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। कभी झारखंड की राजनीति को अपने इशारे पर नचाने वाले बाबूलाल आज दूसरे दलों के नेताओं की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। हाल के दिनों में विपक्ष की राजनीति में जो बदलाव दिख रहे हैं उससे स्पष्ट है कि बाबूलाल मरांडी का महागठबंधन से मोह भंग हो गया है। झारखंड के विपक्ष की राजनीति में झारखंड विकास मोर्चा एकला चलो रे की राह पर निकल पड़ा है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अकेले राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाल के दिनों में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं का टूट फूट कर झाविमो में शामिल होना भी इसका संकेत दे रहा है। पिछले दिनों जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका महथा और फिर राजद के पूर्व सांसद मनोज भुइया ने झाविमो का दामन थाम लिया। मनोज भुइया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी रह चुके हैं। इसके अलावा पार्टी द्वारा विभिन्न जिलों में मिलन समारोह का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है, जिससे दूसरे दलों के नेता और कार्यकर्ता झाविमो का दामन थाम रहे हैं। झाविमो के कुछ वरिष्ठ नेता तो दावा कर रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। कई और विपक्षी दलों के नेता, विधायक और पूर्व विधायक भी पार्टी का दामन थामने को तैयार हैं। पेश है हमारे समन्वय संपादक दीपेश कुमार की रिपोर्ट। अभी नहीं, लगभग एक माह पहले ही बाबूलाल मरांडी ने अकेला चलने का संकेत दे दिया था। उन्होंने बार बार कहा कि उनकी पार्टी 81 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रही है। स्पष्ट किया कि महागठबंधन बने ना बने, वो 81 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बाबूलाल की ये काफी सोची समझी रणनीति है। बाबूलाल मरांडी भले ही पिछले कुछ चुनाव हार गए हों, पर झारखंड की राजनीति में माहिर खिलाड़ी तो वो हैं ही। उन्हें भी ये अच्छी तरह से पता है कि यदि महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया तो झाविमो के खाते में 15 से 20 सीटें आ सकती हैं। इनमें से भी कितनी सीटों पर जीत हासिल होगी ये भविष्य के गर्भ में है। इस लिहाज से बाबूलाल भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि अकेले अपने दम पर वो 50 या 81 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो वो बेहतर स्थिति में रहेंगे। बाबूलाल भी ये जानते हैं कि यदि चुनाव बाद भाजपा पीछे रह गई तब भी विपक्षी दल जो समझौता करेंगे उसमें उनकी स्थिति बेहतर होगी और वो अपनी शर्तों पर बात कर सकेंगे। उधर दूसरे दलों से जो नेता आ रहे हैं वे भी जानते हैं कि झाविमो का दामन थामने पर चुनाव लड़ने और टिकट मिलने की गारंटी मिलेगी। ये फायदा उन्हें झाविमो की ओर आकर्षित कर रहा है। कोल्हान में सुगबुगाहट तेज। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झाविमो के इस तेवर से सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को होने जा रहा है। झामुमो झाविमो की तर्ज पर ही आदिवासी वोटों का दावेदार माना जाता है। झामुमो के ऐसे नेता जो असंतुष्ट रहते हैं उनके लिए झाविमो से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। इन दिनों कोल्हान में भी हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है कि कोल्हान में गीता कोड़ा सांसद बनने के बाद मजबूत हुई हैं
और अपने कुछ चहेतों के लिए 2 या 3 सीटों पर दावा करने की तैयारी में है। इससे झामुमो के कई नेता और विधायक अभी से ही अलर्ट मोड में हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उनका भी ये मानना है कि महागठबंधन के तहत विपक्षी दलों ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के खाते में कुछ सीटें जा सकती हैं। ऐसी स्थिति को लेकर कोल्हान के कुछ नेता अभी से ही झामुमो के संपर्क में बताए जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो झामुमो के लिए यह खतरनाक संकेत है। कुछ यही हाल राज्य के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव से सबक। 2014 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बाबूलाल ने अपने 8 उम्मीदवारों को जीत दिलाई थी। भले ही इसमें से 6 ने भाजपा में विलय कर लिया, पिछली जीत भी बाबूलाल को उत्साहित कर रही है। वो ये भी समझ रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार का प्रमुख कारण गठबंधन ही रहा। उन्हें लगता है कि कई सीटों पर विपक्षी वोट सही ढंग से ट्रांसफर नहीं हो सके। अकेले चुनाव लड़ने पर ऐसे वोटों को वो सहेज सकते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन में उन्हें तवज्जो भी खूब मिली। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें हाथों हाथ लिया। लोकसभा चुनाव में उनकी मांग पर कांग्रेस ने अपने वरीय नेताओं की नाराजगी मोल लेते हुए उन्हें 2 सीटें दी। बाबूलाल मरांडी ने खुद कोडरमा से किस्मत आजमाई, लेकिन वे बुरी तरह परास्त हुए। यही हाल उनके करीबी प्रदीप यादव का भी हुआ। प्रदीप यादव गोड्डा से चुनाव हार गए। इस दौरान प्रदीप यादव पर झामुमो की एक महिला नेत्री के यौन शोषण के आरोपों की वजह से उनकी खूब किरकिरी हुई। बदले राजनीतिक हालात में झामुमो का राजनीतिक भविष्य अकेले चलने में ही बेहतर दिख रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हुए हैं। विपक्षी दल लोकसभा चुनाव की करारी हार को परे रखकर एक बार फिर से महागठबंधन बनाने की राह पर हैं। लेकिन कांग्रेस, झामुमो, राजद और झामुमो में भी अंदरखाने विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। ऐसे में झामुमो यदि एकला चलो रे की राह पर निकल पड़ा है तो ये बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।